हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा काउंटिंग चैम्बर मेथड, यानी कि जिसे इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें दो मेथड थे, टोटल काउंट मेथड एंड बायोएबल काउंट मेथड। इसमें पहला हमारा टोटल काउंट मेथड है, तो टोटल काउंट मेथड बेसिकली इसके लिए भी टू मेथड्स यूज दिए गए हैं, फर्स्ट इज काउंटिंग चैम्बर मेथड एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। तो इसमें जो हम पहला मेथड है वो हम देखेंगे काउंटिंग चैम्बर मेथड क्या होता है बेसिकली। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शीलेंद्र यादव। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, आपकी महान कृपा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें काउंटिंग चैम्बर मेथड हम यूज जो है इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो दिस मेथड फर्स्टली रिक्वायर्ड कॉलोनीज काउंटिंग चैम्बर इन विच वी पास दी कल्चर एंड बन लेंस इज अपर साइड फ्रॉम वेयर वी वॉच द बैक्टीरिया। बन हेमोसाइटोमीटर इट इज सीव लाइक बट रेक्टेंगुलर इन विच साइज ऑफ बन होल इज बन एनएम स्क्वायर इन विच ओनली बन कॉलोनीज कैन आइडेंटिफाई। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का एक चैम्बर होता है, इसमें कई सारी बॉक्स होते हैं बने हुए, इसमें जैसे छलनी वगैरह नहीं होती हमारी, उसी टाइप्स के इसमें बॉक्स होते हैं और जो है होल होते हैं, और इनकी जो है एक बन होल जो होता है उसका साइज बन एन एम स्क्वायर होता है, जिसमें कि हमारे लिए एक बन कॉलोनी एक होल में आराम से आसानी से दिख जाती है, जिसमें जो है बन कॉलोनीज में ऑलमोस्ट 60-70 बैक्टीरिया प्रजेंट होते हैं ऑलमोस्टली। और इसके लिए हम होमोसाइटोमीटर बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। और उसमें क्या होता है, नाउ इसमें जो बेसिकली काउंटिंग चैम्बर मेथड के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो पहला तो हमारा ये हो गया। नाउ अब क्या होता है, इसमें एक पैट्री प्लेट्स होती है, इसे हम प्लेस करते हैं इनसाइड द काउंटिंग चैम्बर में विच कंटेनिंग कल्चर मीडिया एंड देम होमोसाइटोमीटर इज फिक्स। यानी कि भाई हमारी ये एक पैट्री प्लेट्स है ये वाली, इसके लिए हम जो है प्लेस करते हैं कल्चर मीडिया में, ये हमारा ये कल्चर मीडिया है, इसमें हम प्लेस करते हैं हेमोसाइटोमीटर, ये हमारा वही है इसमें फिक्स किया गया है, और ये से हम काउंटिंग चैम्बर मेथड बोलते हैं। नाउ अब क्या होता है, इसमें जब कल्चर मीडिया पास करता है बैक्टीरिया के लिए, तो उसमें जो कॉलोनीस होती हैं वो शो हो जाती हैं इन द ब्लॉक हेमोसाइटोमीटर बैन कैन ईजिली, जिससे कि हम ईजिली काउंट कर सकते हैं अपनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया को, और उनके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि क्या होता है बन कॉलोनीज में 60-70 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा ये कॉलोनीज है ये अंदर इसके चैम्बर के अंदर, तो इसमें जो है मान लो कि जैसे 6-7 कॉलोनीज दिख रही हैं, तो 6-7 कॉलोनीज में ये बन कॉलोनीज में 60-70 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 7 कॉलोनीज मान ली, तो 7 कॉलोनीज में 60-70 बैक्टीरिया पर कॉलोनी में प्रेजेंट होंगे, तो 7 की जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 70 से, तो 490 बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट हो, मतलब आइडेंटिफाई हो गए कि हाँ कि काउंटिंग इस चैम्बर में इस कल्चर मीडिया में 490 बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, इसके लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है, इस मेथड को हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए। इन दिस बैक्टीरिया सस्पेंशन, इसमें जो है बैक्टीरिया का सस्पेंशन मीडिया होता है, इसे हम पास कराते हैं कैपिलरी ट्यूब्स में। दी ओरिफाइस डायमीटर ऑफ ट्यूब इज शो माइक्रोस्कोप दैट इट अलाउ ओनली वन सेल टू पास एट ए टाइम्स। इसके लिए हम डायग्राम में अच्छे से समझेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। वैन बैक्टीरिया इज पास बिटवीन दी करंट पास एंड वोल्टेज जनरेटेड एंड वन पीक इज फॉर्म इन चार्ट, यानी कि इसमें चार्ट फॉर्म में जो है बैक्टीरिया की पीक आइडेंटिफाई हो जाती है। जैसे कि ये हमारा इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन चैम्बर मेथड, ये हमारा सेल जैसे कि वोल्टेज अटैच होती हैं, और ये हमारा यहाँ पर ये पाइप होता है लगा हुआ, इससे सस्पेंशन यहाँ से सस्पेंशन डालते हैं, और ये यहाँ पर ओरिफाइस होल होता है, और ये वही हमारी बैटरी लगी होती है, यहाँ से करंट अटैच होता है, और ये हमारा सस्पेंशन यहाँ से आउट होता है। और जैसे कि इस मेथड में होता क्या है, यहाँ से हम सस्पेंशन को डालते हैं, यहाँ से निकलता है, यहाँ पर जो छेद होता है, ये निकलने का होल होता है, जो वो इतना बड़ा होता है यहाँ से कि बनी यानी कि एक ही बैक्टीरिया निकल पाएगा,
तो बैक्टीरिया यहाँ से जब निकल के और इसमें गिर डाउन होता है, और जब इससे निकल के बैक्टीरिया यहाँ आता है तो क्या होता है, ये दोनों अटैच हो जाते हैं और बैक्टीरिया हमारा लिविंग थिंग्स होता है, जिससे कि क्या होता है गुड कंडक्टर, यानी कि इससे करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स है वो भी। तो जब बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ से दोनों में अटैच होगा, तो यहाँ से जो है यहाँ पर इनमें करंट चल जाता है, तो यहाँ से करंट फ्लो अटैच होकर और यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज में पहुँचा देगा, जैसे कि हमारा करंट बन जाएगा। और बैक्टीरिया तो हमारा उसी टाइप उसी के अकॉर्डिंग हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एवरी टाइम बैन बैक्टीरिया पास वोल्टेज, यानी कि भाई एवरी टाइम जो बैक्टीरिया निकलेगा गिरेगा यहाँ से यहाँ तक नीचे, तो पास वोल्टेज, वोल्टेज पास करेगा, करंट पास करेगा और पीक ड्रॉ होगी, एक पीक ड्रॉ होगी करंट पास, जिससे कि क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो आलसी लिविंग थिंग लिविंग बींग होता है, सो करंट पास फ्रॉम इट इट गिव्स द टोटल काउंट बायोएबल नंबर एंड बायोएबल। इसमें जो है एक पीक लगी हुई होती है, जैसे कि चार्ट फॉर्म में देख समझा जाए, जैसे कि एक बैक्टीरिया गिरेगा तो वो इतना यहाँ बढ़ेगा, दूसरा इससे बड़ा बैक्टीरिया होगा तो वो इतना बड़ा यहाँ ऊपर चला जाएगा चार्ट फॉर्म में, और ये अगर उससे भी बड़ा होगा तो इतना, तो यही हम इनके लिए हम काउंट कर लेते हैं, जो भी हमारी ये पीक होंगी इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हीं के लिए हम लास्ट में काउंट करेंगे, तो जितनी ये पीक होंगी उतनी हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली यही होता है इस मेथड में। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।